और अब बात करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर की। न्यूज 18 की तरफ से एक्सक्लूसिव और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। अब निशाने पर माओवादियों के टॉप लीडर्स होंगे। सुरक्षा बलों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब टॉप लीडर्स को केंद्रित करते हुए रणनीति तैयार की जा रही है। बस्तर आईजी सुंदरराज पीक की तरफ से बड़ा बयान। सेंट्रल और पोलिस ब्यूरो संगठन के कुछ लीडर्स ही फिलहाल बचे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अब अंतर्राज्य सीमा पर बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में है। अंतर्राज्य सीमा पर ज्वाइंट और बड़ा ऑपरेशन होगा। पड़ोसी राज्यों की सहायता के साथ ये सब होने वाला है। अगर मुख्य धारा में टॉप लीडर्स और नक्सली वापस लौट आते हैं तो उन्हें नहीं मारा जाएगा। नक्सलियों के बड़े लीडर को घेरने के लिए हालांकि रणनीति जमीनी स्तर पर तैयार है। जो संगठन में जो पीएलजी कंपनी, पीएलजी प्लेटून्स हैं, पीएलजी बटालियन, ये सब हमारा एक फोकस में रहते हैं। उसी को टारगेट करके हम लोग लगातार उनकी प्रति जो भी आसूचना मिलते हैं उसका तस्दीक करके कार्रवाई करते हैं। वो हिडमा हो या अन्य जितना भी जो कैडर्स है, यदि तब तक वो हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम दे रहे तो हमारा टारगेट में रहेगा। इसलिए आने वाले समय में भी लगातार जो टॉप कैडर्स के ऊपर जो एक फोकस्ड अप्रोच के तहत हम कार्रवाई करेंगे। और हमारा हमेशा एक अपील भी रहता था, यदि माओवादी संगठन का जूनियर लेवल कैडर हो या सीनियर लेवल कैडर हो, यदि इनसे त्याग करके यदि समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि आत्मसमर्पण करेगा, उनके सभी प्रकार का जो मेडिकल सपोर्ट ये से लेकर आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सभी प्रकार के जो सुविधा है, जो स्टेट का जो सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी तहत हम उपलब्ध भी कराते हैं और उनके एक आपने देखा बस्तर आईजी सुंदरराज भी जो कि इस बात को खुले तौर पर स्पष्ट भी कर रहे हैं कि कैसे हम दूसरे राज्यों के समन्वय के साथ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा उनमें से राज्य हो सकते हैं जहां पर नक्सलियों की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। इन तमाम राज्यों के सहयोग से अब नक्सल ऑपरेशन चलाया जाएगा, एंटी नक्सल ऑपरेशन, जिसके तहत नक्सलियों को यह भी कोशिश होगी कि मुख्यधारा से जोड़ा जाए और अगर नहीं जुड़ते हैं तो सख्त एक्शन की तैयारी भी टॉप लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं। ये बात भी उनकी तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। अंतर्राज्यीय सीमा जहां पर लगातार हम मुठभेड़ की जानकारियां भी देखते रहते हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर इस तरह की साजिश सामने आती है नक्सलियों की। और अब चूंकि ये ऑपरेशन एक बड़ा रूप ले रहा है तो ये माना जा सकता है कि इस रणनीति में कई सारे बदलाव भी होंगे और जमीनी स्तर पर जो हालात हैं उनको टैकल करने के लिए कई और रूपरेखा भी तैयार हो सकती है। सही कि श्रीनिवास का हम रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, पहले हाईटेक हथियारों के बारे में जानकारी, ड्रोन को लेकर सूचना मिली और अब बड़ी रणनीति एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बस्तर आईजी की तरफ से कहा गया है। पहले नरमी भी बरती गई, ये अपील की गई कि मुख्यधारा से जुड़े, लेकिन चूंकि इसका असर नहीं हुआ इसलिए शायद इस तरह की रणनीति। जी बिल्कुल, बस्तर जो सुरक्षा बल है अब वो टोटल टारगेट के मूड पे है। जो मोस्ट माओवादी जो नेता हैं उनको टारगेट करने का मुख्य उद्देश्य बनाया गया, उनका खाका तैयार किया है, उनकी कुंडली बनाई गई है। बस्तर पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जो नक्सल संगठन से जुड़े हुए लोग हैं या तो वो सरेंडर कर दे या तो सरकार के जो मुख्य जो पुनर्वास योजना से उसमें शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे जो मोस्ट वांटेड जो नक्सली है उनको फोकस किया जाएगा, उनके इलाकों में घेर कर उनको टारगेट किया जाएगा। ऐसे कई तमाम जो नक्सल लीडर हैं उनकी कुंडली बनाई है बस्तर पुलिस ने और उनको घेरने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इसी कड़ी में आज राजधानी में भी बड़ी बैठक हुई है जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी ने बड़ी बैठक की है, स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक की गई है। इसमें जो आने वाले दिनों में जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा, जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वहां पर एक फोर्स को, वहां के फोर्स को और छत्तीसगढ़ फोर्स एक दूसरे की मदद करके जो मोस्ट वांटेड जो माओवादी है उनको टारगेट करने के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा श्रीनिवास, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो नक्सल ऑपरेशन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और इसको लेकर एक और बड़ी अपडेट ये भी कि नक्सल इन दिनों इसी तर्ज पर सुरक्षा बलों को चुनौती दे रहे हैं कि तू डाल में पात पात। जंगल में रहने वाले नक्सली हाईटेक हो चुके हैं, सुरक्षा बलों की जासूसी के लिए ड्रोन तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खुलासे से सुरक्षा बल भी अलर्ट है। खुलासे से खलबली, हाईटेक हुए नक्सली, आसमान से पहरा, नक्सलियों का नया पैंतरा। नक्सल मोर्चे पर डटे सुरक्षा बलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
घने जंगलों में डेरा जमाए नक्सली सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। नक्सली हाईटेक हो रहे हैं, सुरक्षा बलों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में पुलिस ने नक्सलियों के 3 सप्लायर्स को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली ड्रोन से सुरक्षा बलों की जासूसी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बस्तर में सक्रिय नक्सल संगठनों के पास 10 से ज्यादा ड्रोन हैं। अभी हाल फिलहाल में 3 दिन पूर्व तेलंगाना में कोत्तागोडम भद्रादेव जिला में एक सप्लाई नेटवर्क कार्रवाई की गई थी, उसमें एक लेथ मशीन और एक ड्रोन का भी पुलिस द्वारा जब्ती की गई तेलंगाना पुलिस द्वारा। इस संबंध में अभी अग्रिम पूछताछ और डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जिस तरीके से हम एक इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के माध्यम से माओवादियों को सप्लाई नेटवर्क के ऊपर टारगेट करके कार्रवाई कर रहे थे, उसकी काफ़ी अच्छा परिणाम अभी देखने मिल रहे थे। माओवादियों का मेडिसिन से लेकर उनके एक्सप्लोसिव मटेरियल और अन्य जितना भी लॉजिस्टिक सप्लाई उसके ऊपर अभी काफ़ी प्रभावी रूप से कार्रवाई हुआ और माओवादियों का मेडिसिन सप्लाई पहले जितना आसानी से उन तक पहुँचा अभी हाल फिलहाल में उन तक नहीं पहुँच पा रहा। बस्तर में नक्सलियों पर नकेल के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों के कैंप बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली ड्रोन के जरिए इन पर नजर रखे हुए हैं। नक्सलियों के ड्रोन कई बार सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में सुरक्षा बलों के कैंप के पास दिखाई दिए हैं। नक्सल मामलों के जानकार बता रहे हैं कि अब सुरक्षा बलों को भी नक्सलियों से निपटने के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। भी अब हाईटेक होने लगे हैं और जिस प्रकार का ड्रोन का उपयोग नक्सलियों के द्वारा किए जाने की खबरें इंटेलिजेंस से भी मिल रही हैं और पुलिस भी मतलब दबी छुपी जुबान से इस बात को स्वीकार भी कर रही है कि नक्सली अब ड्रोन से ड्रोन का काफ़ी उपयोग करने लगे हैं। निश्चित रूप से पुलिस की रणनीति को बदलने के लिए जो है नक्सलियों ने जो ये हाईटेक तकनीक अपनाई है ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी चिंता का विषय है और कम से कम दूसरे उन संगठनों के लिए भी जो कहीं ना कहीं नक्सल विरोधी गतिविधियों में लगे हैं या एंटी नक्सल मूवमेंट चला रहे हैं, कई सोशल एक्टिविस्ट भी इस काम में लगे हैं, तो हाईटेक होने का निश्चित रूप से नक्सलियों को एडवांटेज मिलेगा और पुलिस को जो है ना अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ेगी। ड्रोन नक्सलियों के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इनकी मदद से नक्सली सुरक्षा बलों के मूवमेंट की आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं और आतंक की साजिश रच सकते हैं। हालांकि इस खुलासे के बाद सुरक्षा बल अलर्ट हैं और नक्सलियों की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने के प्रयास जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। श्रीनिवास लगातार जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, ड्रोन की काट क्या होगी, क्या ये अभी तक स्पष्ट हो पाया इस रणनीति के जरिए? जी बिल्कुल, माओवादी के पास ड्रोन होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल को काफ़ी चिंता के विषय बना हुआ है, क्योंकि चेरला के जो तेलंगाना के चेरला में माओवादी के कोरियर के जो कोरियर गिरफ्तार हुए थे, वो जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे उनके पास जो जब्त सामग्री मिली उसमें ड्रोन भी पाया गया था। ऐसे में अब ये बात स्पष्ट हो गई कि माओवादी ड्रोन का सहारा ले रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं सुरक्षा बल और कैंपों का। इससे तो बस्तर पुलिस भी अलर्ट हो गई है और ये भी बात आ रही है कि माओवादी के पास लगभग 10 है और वो उपयोग में ला रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी श्रीनिवास कैसे इसे टैकल करते हैं सुरक्षा बल। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधे